ट्रेडोफाइट्स के बारे में मैंने क्या क्या बताया था तुम लोगों को? ट्रेडोफाइट्स के बारे में क्या क्या बताया था? ट्रेडोफाइट्स के बारे में क्या क्या बताया था? जल्दी जल्दी ट्रेडोफाइट्स के बारे में। पहले ट्रेडोफाइट्स जैसे ही सुनोगे दिमाग में आना चाहिए क्या कि हिली एरियाज, कहाँ पे? हिली एरियाज। और जो हिली एरियाज होता है वो कैसा होता है? नमी वाला होता है। कैसा? नमी वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता नहीं है। क्या होता है? हिल्स। हिल्स पे पानी रुकता नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा पानी का ज़रूरत प्लांट्स को नहीं पड़ता है। तो प्लांट ने क्या कर लिया? एडेप्ट कर लिया। किस हिसाब से? कि जहाँ पर नमी होगा वहाँ पर हम क्या कर जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। फिर मैंने बोला था कि ट्रेडोफाइट्स के अंदर सबसे पहले क्या आया? वास्कुलर सिस्टम आया। क्या आया? वास्कुलर सिस्टम आया। लेकिन उनको भी पूरा सक्सेसफुल हमने नहीं बोला था। क्यों? क्योंकि उनको भी किसकी ज़रूरत थी? पानी की। किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक बात। लेकिन आज कौन आ रहा है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो कि ट्रेडोफाइटा से तो क्या होगा? ज़्यादा डेवलप होगा। तो कौन आएगा? जिम्नोस्पर्म्स। देखो नाम में ही हर चीज़ छुपा होता है। नाम में हर चीज़ छुपा होता है। मैंने बोला जिम्नोस्पर्म दो वर्ड से मिलके बना है। कितने वर्ड से? दो। क्या क्या? दो वर्ड कौन कौन से? जिम्नो और दूसरा एक होता है स्पर्मा। क्या? स्पर्मा। याद करो जब मैं लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रहा था तो तुम्हें बताया था स्पर्मेटोफाइटा। क्या बताया था? स्पर्मेटोफाइटा। जिम्नो और एंजियो को और क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमिया। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेमिया। क्या होता है फेनेरोगेमिया? मैं नहीं चाहता कि आज मैं बेइज्जती करूँ, आज टीचर्स डे है इसलिए मैं कोई बेइज्जती करना नहीं चाहता हूँ। तो अच्छे से आंसर दो। हिडन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो। बोला था क्रिप्टो करेंसी, जो करेंसी दिखता नहीं इसलिए उसका नाम क्या है? क्रिप्टो करेंसी। वैसी क्रिप्टोगेमिया बोलते थे कि जिसमें सेक्स ऑर्गेन विजिबल ना हो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेमिया। और जिसमें विजिबल हो उसको बोलते थे फेनेरोगेमिया। कौन कौन? एनजीओ और जिम्नो। कैसे होते हैं? फेनेरोगेमिया। जिम्नोस्पर्म नाम में क्या है? जिम्नो। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। क्या? नेकेड। जिम्नो का मतलब नेकेड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। याद करो मैंने स्पर्मेटोफाइटा में बताया था, स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या बताया था? स्पर्मेटोफाइटा का मतलब बताया था सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या? सीड बियरिंग प्लांट्स। तो जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे प्लांट्स आए। क्या? जिम्नोस्पर्म पहले ऐसे प्लांट आए जिनके अंदर क्या बना? सीड बना। क्या बना? सीड बना। याद करो कल जब टेरिडोफाइटा पढ़ा था तो मैंने बोला कि टेरिडोफाइटा सीड प्रिकर्सर कहे जाते हैं। किसके? प्लांट्स किंगडम के। क्या? कि सीड बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं कहाँ से हुई थी? टेरिडोफाइटा से। लेकिन पूरा सीड बना नहीं था। जो पूरा कंप्लीट सीड बनता है वो कहाँ बनता है? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन फिर भी उस सीड को हम क्या बोलते हैं? कि नेकेड सीड है, मतलब वो ऊपर से किसी चीज़ से ढका नहीं होता है। ठीक। स्पर्मा का मतलब क्या हो गया? सीड। मतलब ये क्या है? नेकेड सीड इनको बोलते हैं। ठीक बात। जैसे हमने ट्रेडोफाइटा को वस्कुलर क्रिप्टोगेमिया कहा था, इनको हम क्या बोलेंगे? वस्कुलर फेनेरोगेमिया। क्या? फेनेरोगेमिया। वस्कुलर फेनेरोगेमिया। ठीक बात। और क्या? देखो जिम्नोस्पर्म क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े ट्रीज या छोटे छोटे ट्रीज? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, गुड। एक ने बड़ा बोल दिया, एक ने छोटा, तो एक मिड वाला बोल दो, सही हो जाएगा। देखो श्रब्स होते हैं। क्या होते हैं ये? श्रब्स होते हैं। सबसे छोटे वाले को क्या बोलते हैं? हर्ब्स। बीच जो होता है छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा को क्या बोलते हैं? श्रब्स। और फिर क्या होते हैं? कुछ मीडियम साइज के, रुक जाओ, कुछ क्या आते हैं? मीडियम साइज के ट्रीज। और फिर क्या है? बड़े बड़े। वैसे तो जिम्नोस्पर्म मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं। क्या? याद करो थियोफ्रेस्टस को, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स, ट्रीज। एरिस्टोटल ने क्या किया था? तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब, ट्रीज। लेकिन उनके स्टूडेंट आए कौन? थियोफ्रेस्टस। उन्होंने क्या किया? ग्रोथ हैबिट के बेसिस पे ही प्लांट्स को चार पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज। कितने हिस्सों में? चार हिस्सों में। तो प्लांट्स क्या है? कुछ बहुत छोटे, थोड़ा सा उससे बड़े, थोड़ा सा उससे बड़े और सबसे बड़े। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं क्या होते हैं? श्रब्स और मीडियम साइज ट्रीज वाले होते हैं। कौन कौन? श्रब्स और मीडियम साइज के ट्रीज। लेकिन इनमें से एक एक्सेप्शन निकल गया, कौन? सेक्वोइया। क्या? सेक्वोइया, जिसको हम रेड वुड जियांट ट्री बोलते हैं। क्या? रेड वुड बोलते हैं। ये वैसे कैसे होते हैं? ये मोस्टली कैसे होते हैं? ये श्रब्स। कैसे? श्रब्स एंड मीडियम साइज ट्रीज। कैसे?
मीडियम साइज के, मीडियम साइज्ड ट्रीज, लेकिन एक इनमें कौन सा होता है? सेकोइया। कौन? सेकोइया, बहुत ही खूबसूरत नाम। ये इसको और क्या बोलते हैं? रेडवुड जियांट ट्री। क्या? क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, बहुत लंबा होता है, और ये इतना लंबा होता है कि इसको हम बोलते हैं कि वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज है। किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स के कुछ स्पीसीज होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत लंबे लंबे, उनमें से कौन है? ये रेड जियांट वुड, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। छापो। अच्छा, बिना सेल पड़े सेल साइकिल। रेडवुड, अबे जियांट बाद में लिख दिया, लाल लकड़ी बड़ा लिख दिया मैंने, देख रहे हो इंग्लिश मेरा। हाँ, रेडवुड पहले लिख दिया, जियांट बाद में लिख दिया, मास्टर पागल हो चुका है। जियांट रेडवुड ट्री, कोई बात नहीं। हाँ, मैंने क्या बोला है कि जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? श्रब्स और मीडियम साइज के ट्रीज होते हैं, लेकिन एक क्या निकल गया, बड़ा निकल गया एक्सेप्शन। एक ही एक्सेप्शन है, कौन सा? सेकोइया। देखो लिखा है मैंने, मोस्टली श्रब्स और क्या होते हैं, मीडियम साइज के ट्रीज, लेकिन सेकोइया कैसा होता है? वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। बोला कि बहुत सारे ट्री स्पीसीज ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें से एक कौन? ये सेकोइया। लिखो जल्दी जल्दी। टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, हो गया। अब देखो फिर से देखो, ट्रेडोफाइटा में भी सबसे पहले हमने क्या किया था, उसके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। किसके बारे में बात की थी हमने? प्लांट बॉडी के बारे में। किसके बारे में? प्लांट बॉडी के बारे में। तो यहाँ पर भी प्लांट बॉडी डिवाइडेड होगा किसमें? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में। हो गया था, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया। अब किसकी बात में बात होगी? प्लांट बॉडी। अच्छा, लाइफ साइकिल कैसा होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का? कोई पीस पलटा पुलटी नहीं करेगा। हाँ, लाइफ साइकिल कैसा होता है? हैप्लोन्टिक या हैप्लो डिप्लोन्टिक? जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा? हैप्लोन्टिक या हैप्लो डिप्लोन्टिक? तुम्हारा क्या कहना है? हैप्लोन्टिक। तुम्हारा? हैप्लोन्टिक। तुम्हारा है क्या? ना तो हैप्लोन्टिक ना ही हैप्लो डिप्लोन्टिक, लाइफ साइकिल होता है डिप्लोन्टिक। कैसा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल कैसा होता है? डिप्लोन्टिक। कॉपी खोल के देखा जाए। हाँ, किसके बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट बॉडी। नहीं सुधरोगे तुम लोग एकदम नहीं। प्लांट बॉडी इसका कैसा होगा? जो मेन प्लांट बॉडी होता है इसका कैसा होता है? डिप्लोइड होता है। कैसा? डिप्लोइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्या ये कैसा होगा? डिप्लोइड होगा। प्लांट बॉडी इसका कैसा होगा? डिप्लोइड होगा। अरे बोला था डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो डिप्लोइड स्टेज होता है वो ज़्यादा डेवलप, और हैप्लोइड क्या होता है? एकदम ना के बराबर। जैसे हैप्लोन्टिक में क्या किया था कि हमने डिप्लोइड स्टेज को जाइगोट से दिखाया था, एक सिंगल सेल से दिखाया था। किसे? जाइगोट से। याद आ रहा है, गेमिटोफाइट। उससे क्या हुआ? गैमिट बना। गैमिट जब जब फ्यूजन हुआ तो क्या बने? जाइगोट। और जाइगोट से सीधे क्या बन गया था? स्पोर। बीच में स्पोरोफाइट नहीं बना था। क्यों? क्योंकि उस साइकिल का नाम ही क्या था? हैप्लोन्टिक। और हैप्लोन्टिक बोल दिया मतलब गेमिटोफाइटिक जनरेशन क्या होगा? ज्यादा डोमिनेंट होगा। किस पे? स्पोरोफाइटिक। घर से पढ़ के आना होता है तो जाके चीजें समझ आएंगी और अच्छे से। इसका प्लांट बॉडी किसमें किसमें होगा? इसमें रूट भी बनेंगे, इसमें रूट भी बनेंगे,
इसमें स्टेम भी बनेंगे और इसमें लीफ भी बनेगा। यहां पर जो रूट होता है वो रूट कैसा होता है? टैप रूट होता है। कैसा रूट होता है? टैप रूट सिस्टम। कैसा सिस्टम? टैप रूट सिस्टम। अभी तो बस याद रख लो कि टैप रूट सिस्टम होता है। टैप रूट सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, जानेंगे हम कब? जब पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी बस क्या याद रखना है कि जो रूट होता है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। वो कैसा होता है? टैप रूट सिस्टम। ठीक बात। लेकिन कुछ जो जिम्नोस्पर्म के स्पीसीज है जैसे पाइनस, कौन क्या हो गया ये, कौन पाइनस, कौन पाइनस, पाइनस का रूट क्या करता है कि एसोसिएशन बना लेता है किसके साथ में? फंजाई के साथ में। किसके साथ? फंजाई के साथ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। क्या बोलते हैं, नाम सुना है? हाँ, नाम सुना है माइकोराइजा? क्या होता है माइकोराइजा? अच्छा, फंजाई। वो उसका एसोसिएशन क्या कहलाता है? फंजाई प्लस एल्गी का। फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन क्या कहलाता है? हाँ, तो फल में क्या था? ऐसा ना हो कि बस ट्रिक याद रह जाए और उस ट्रिक का। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा, कर दूँ बेइज्जती, घर वाले भी देख लेंगे फिर। हाँ, अब घर वालों का जैसी कंप्लेन आएगा लिंक भेज दूंगा यूट्यूब वीडियो का। बोल दे रहा हूँ पहले, कैमरा ये घूमता भी है पता है, कैमरा ये घूमता भी है, घुमा दूंगा जिससे क्वेश्चन पूछूंगा फट से घुमा दूंगा। ये कैमरा घूमता भी है, देख रहे हो, घूम भी रहा है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक बात। क्या बोला था? लाइकेन। क्या होता है वो? लाइकेन। फल FAL, फंजाई प्लस अलगे के एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेन। ऐसे ही यहाँ पर रूट और फंजाई के एसोसिएशन क्या कहलाता है? माइकोराइजा। क्या? माइकोराइजा क्या कहलाता है? माइको राइजा। और एक और होता है जिम्नोस्पर्म जिसका नाम है साइकस। क्या? साइकस। ये एक एक्सेप्शन है, इसके अंदर टैप रूट नहीं होता बल्कि कैसा रूट होता है? कोरेलोइड रूट। कैसा? कोरेलोइड रूट, कोरे लोइड रूट होता है। ठीक। और इसका रूट किसके साथ एसोसिएशन बनाता है? एल्गी के साथ। किसके साथ? एल्गी के साथ। ठीक। तो ये रूट के बारे में क्या याद रखना है कि रूट कैसा होता है? जनरली टैप रूट सिस्टम। पाइनस का रूट क्या करता है? फंजाई के साथ एसोसिएशन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? माइको राइजा। लेकिन वहां पर फंजाई प्लस एल्गी क्या था? लाइकेंस। तो दोनों का रिश्ता अलग अलग, वहां पर क्या है? लाइकेन और यहां पर क्या है? माइको राइजा। ठीक बात। साइकस। साइकस का रूट कैसा होता है? कोरेलोइड रूट होता है। वो एसोसिएशन किसके साथ बनाता है? एल्गी के साथ। किसके साथ? एल्गी के साथ। ठीक बात। रुक जाओ, लिखो मत, समझो पहले। इसका जो स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है ब्रांच्ड और एक होता है अनब्रांच्ड। कैसा? कैसा? ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। एक कैसा होगा? ब्रांच्ड स्टेम। और एक कैसा होगा? अनब्रांच्ड। जिम्नोस्पर्म जब पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, तो एग्जाम्पल्स ऐसे लिखे हुए हैं कि दिमाग हिल जाता है, समझ नहीं आता कौन किसका एग्जाम्पल। तो ऐसे याद रखना, ब्रांच्ड में कौन कौन होता है? पाइनस और सिड्रस। कौन कौन? पाइनस और सिड्रस। और अनब्रांच्ड में कौन कौन होता है? साइकस। कौन? साइकस। ठीक बात। इसके जो लीफ होते हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है? इतना पे दिख जाएगा। इसके लीफ कैसे होते हैं? दो प्रकार के, एक सिंपल और एक कंपाउंड। कैसे? कैसे? सिंपल और कंपाउंड। पर हम इस सिंपल को क्या बोल के याद रखेंगे? फोलिएज। क्या? फोलिएज। इसको हम क्या बोलेंगे? फोलिएज। और इसको बोलेंगे हम क्या?
क्यूटिकल लिप्स, कैसे लिप्स? क्यूटिकल नहीं, टाइनी लिप्स बोल दो, या फिर निडिल लिप्स बोल दो, निडिल लिप्स, कैसे? निडिल लाइक लिप्स। देखो ये जो फोलिएज लिप्स होता है इसका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। क्या करना? फोटोसिंथेसिस करना। तो इसका काम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटो, तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कैसा दिखता होगा? ग्रीन ग्रीन की रेड रेड। क्या जो रेड दिखता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है? कैसे? मैंने तो तुम्हें पढ़ाया बच्चों कि जो ग्रीन होगा उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल। तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो रेड वाले फोटोसिंथेसिस करते हैं? एग्जांपल दो तो कोई एक दो। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। हाँ और कुछ? अभी हाल फिलहाल कुछ एग्जांपल। अबे रेड एल्गी, रेड एल्गी भी तो फोटोसिंथेसिस करता है। दिखने में लाल है इसका मतलब ये नहीं कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। उसके पास भी पिगमेंट्स थे। कौन कौन से? कौन कौन से पिगमेंट थे उसके पास? कौन कौन से पिग एल्गी में नहीं आए थे तुम? कब पढ़ाया था एल्गी पता है? अच्छा ये भी याद नहीं है कि एल्गी कब पढ़ाई? एल्गी थर्ड चैप्टर में है, प्लांट किंगडम। तुम लोग किस लेवल का पढ़ाई कर रहे हो? कंट्रोल कंट्रोल। सीधे बोलना नहीं आए थे, बचने का मतलब और बहुत सारा बहाना है। कॉपी खोल के देखना होता है बस, काउंट करने से नहीं होगा। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। एल्गी में क्लोरोफिल बोला था कि क्लोरोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनोइड्स। वहीं पे बोला था कि क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा, इसलिए क्लोरोफिल ए को बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। फिर आया था फियोफाइसी। फियोफाइसी में क्या क्या होता है? फियोफाइसी में होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और कैरोटीनोइड्स भी होते हैं, जेंथोफिल्स भी होते हैं, और फ्यूकोजेंथिन भी होते हैं। लेकिन हम याद क्या करते हैं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन होता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ब्राउन कलर। फियोफाइसी बोले तो ब्राउन एल्गी। फिर आया था रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में हमने क्या बोला था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, आर फाइकोइरिथ्रिन, इसलिए वो कैसा दिखता है? लाल लाल। क्या फायदा पढ़ाने का, गजनी बनते जा रहे हो तुम लोग। तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। ठीक, यहाँ पर आ जाओ। देखो जो डिजर्ट प्लांट होते हैं ना, कौन से प्लांट? डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लीफ को बहुत छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा। जैसे कैक्टस देखा है, कैक्टस कांटे होते हैं, वो पहले कांटे नहीं थे, पहले क्या थे? लीव्स थे। क्या थे? लीव्स। लेकिन वो क्या करता है कि अपने लीव्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? निडिल लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि क्या कहलाते हैं? निडिल। निडिल लाइक स्ट्रक्चर, वो भी लीफी होते हैं। ठीक है, क्यों करता है वैसे? क्योंकि वो चाहता है कि अपना सरफेस एरिया क्या कर दे? रिड्यूस कर दे। क्योंकि हमें पता है कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा, पानी का लॉस उतना ज़्यादा। कोई कपड़ा चमोड़ ममोड़ के रख दो और कोई कपड़ा मस्त फैला के पसारो, जल्दी कौन सूखेगा? जो फैला के पसारा, क्लास 9th में पढ़ते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में, जो फैला के पसारा है। तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? इवापोरेशन उतना ज़्यादा, मतलब पानी का लॉस उतना ज़्यादा। तो डिजर्ट में ऐसे ही पानी की क्या है? कमी रहती है। तो प्लांट्स क्या करते हैं वहाँ के कि अपने लीफ को रिड्यूस करके किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? निडिल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि पानी का लॉस क्या हो सके? कम हो सके। और भी किस चीज़ से बच जाते हैं वो? टेम्परेचर से बच जाते हैं। टेम्परेचर से बच जाते हैं। डिजर्ट में क्या है? बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं, मतलब विंड के स्पीड से वो बच पाते हैं। और क्या होता है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ऐसे तो बहुत तेज चिल्लाते हो गए हैं आंसर बोलने के टाइम पे। हाँ ह्यूमिडिटी। हाँ सुनाओ। चुप हो जाओ। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? बारिश हुआ, चिपचिपाहट हो गया, हाथ चिटचिट कर रहा है, हाँ ये लिख क्या हो गए? हाँ क्या? रुक जाओ, लिख नहीं, छापने में एक्सपर्ट। हाँ ह्यूमिडिटी क्या? तो मॉइस्चर क्या? गंवार लोग, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है ह्यूमिडिटी। बोला जाता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हाँ सिंपल। क्या?
अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, हवाओं में जो पानी है उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ, बारिश हुआ, चिपचिपाहट हो गया, अबे क्या है ये। देखो ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं फोलियज लीव, किस में होता है, साइकस में भी होता है। किस में, साइकस में। और साइकस में एक स्पेशल टाइप का लीफ पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनेट लीफ। कैसे लीफ, पिनेट लीफ। क्या होता है ये पिनेट लीफ, देखो मान लो कोई प्लांट हो गया, क्या हो गया ये प्लांट, तो लीफ जब ऐसे निकले, देख रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट पे दो, एक ही पॉइंट पे दो, एक ही पॉइंट पे दो, ऐसे लीफ को हम क्या बोलते हैं, पिनेट लीव्स। क्या बोलते हैं, पिनेट लीव्स। की एक सीधे लाइन होता है, उस लाइन से क्या है, एक ही पॉइंट से दोनों तरफ क्या निकलेंगे, लीफ निकलेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, पिनेट लीव्स। तो साइकस के पास कैसा लीफ होता है, पिनेट लीव्स। याद रखना है, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। तो पिनेट लीव्स छोड़ देता हूँ, डायग्राम बना लेना वरना बाद में बोलोगे अबे क्या हो गया ये। ठीक, अब देखो ये नीडल लाइक लीफ क्यों बनाया, क्योंकि क्योंकि क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, प्रोटेक्शन। किससे, टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी से। बच्चों ह्यूमिडिटी क्या होता है, एयर। हाँ ठीक बात, चलो ये क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन। ठीक बात, छापो। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, और भी क्या बोला था मैंने, कि जब ये निडिल लाइक लीफ बना लेते हो तो इससे फायदा क्या होता है, सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया कम, और सरफेस एरिया कम तो पानी का लॉस कम। सब उल्टा पुल्टा हूँ यहाँ पे। और क्या याद रखना है, कि दे रिड्यूस, ये मास्टर की जिम्मेदारी नहीं, सरफेस एरिया। और क्या, इससे क्या होता है कि वाटर लॉस कम होता है, तो रिड्यूस करते सरफेस एरिया, उससे क्या होता है, वाटर लॉस डिक्रीज। तो ऐसे लीफ किसके अंदर पाए जाते हैं बच्चों, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर, है ना। डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड डिजर्ट प्लांट्स। गुस्सा किया मैंने, कुछ बोला मैं तो, कुछ नहीं बोला। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि तुम लोग इतने अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो। टेरेस कहाँ से आ गया बीच में, और टेरेस्ट्रियल बोल दे तो टेरेस आ गया। तुम लोग से सिंपल आंसर नहीं बोला जाता है, अबे बोलो टेरेस्ट्रियल प्लांट सर, वो प्लांट जहाँ पे पानी अवेलेबल अच्छे से होता है, जो ग्रो करता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट। हमारे आसपास जो भी प्लांट्स दिख रहे हैं वो क्या है, अबे टेरेस्ट्रियल ही तो है। टेरेस आ गया, छोटे होते हैं, अबे छोटे बड़े क्या होता है भाई। छापो छापो, मैं तो बहुत खुश हूँ रिकॉर्ड हो रहा है। आप जिसका भी कंप्लेन आया क्या करूँगा, वीडियो खोल के दिखा दूंगा, ये लीजिए, डर का माहौल बनेगा अब। ये जाएगा यूट्यूब पे, अब इसका मतलब ये नहीं कि एब्सेंट मार दिया करना, अरे यूट्यूब पे तो वीडियो आ ही जाएगा, एब्सेंट मार देते क्या ही कोचिंग जाएंगे, ये सब नहीं होना। जिस दिन नहीं आओगे वीडियो नहीं जाएगा।
कल बोला था ना आज बारात निकालेंगे हम, पोलिंग ग्रीन को ले जाएंगे। अबे ऐसे ही देख रहे हो जैसे कि सच में बारात, अबे पोलिंग ग्रीन का बारात निकालना है आज, पोलिंग ग्रीन जाएगा, कौन पोलिंग ग्रीन जाएगा फीमेल गैमेट के पास आज, और फाइनली आज बनेगा फर्टिलाइजेशन होके एक ट्रू सीड। क्या बनेगा? ट्रू सीड। बहुत दिन के इंतजार के बाद एलगी भी पढ़ लिया तब भी नहीं बना, ब्रायो पढ़ लिया तब भी नहीं बना, ट्रीडो पढ़ लिया तब भी नहीं बना, आज जिम्नो में बनेगा ट्रू सीड। क्या हुआ, दिख रहा है? हो गया लीव लिख दिया है, कोई बात नहीं, इंसान हो गलती हो जाती है। अबे सही लिखा हुआ है, लीव्स। बहुत सारे जब होते तो लीव्स इस्तेमाल करते हैं, मास्टर गलत नहीं है, सही है। अच्छा हो गया, अब क्या इधर की उधर। तुम लोग कॉपी में जगह बनाने भी नहीं आता है। देखो ऐसा लिखना है कि बाद में खुद को भी समझ आए कि लिखा क्या है, वरना बाद में ऐसे कॉपी को हॉरिजॉन्टल घुमा लो, क्या दिक्कत है। हो गया, अरे जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया, ऊपर हो जाओ। हो गया, अब फिर से बैक टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कहाँ? बैक टू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसलिए तो पढ़ाया था कि जल्दी जल्दी होगा आगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मैंने क्या बताया था कि तीन तरह के लाइफ साइकिल। एक कौन? हैप्लोडिप्लोंटिक, जो कि किस में था? एल्गी में, एल्गी में था। अबे ब्रायो और ट्रीडो में क्या था? हैप्लोडिप्लोंटिक। हाँ में हाँ मिलाना है, कुछ याद तो है नहीं मास्टर, हमें तुम जो बोलोगे हम उसी में हाँ में हाँ मिला देंगे। एलगी में कैसा था? हैप्लोंटिक। एलगी में कैसा? हैप्लोंटिक। ब्रायो ट्रीडो में कैसा? हैप्लो डिप्लोंटिक। और जिम्नो और एनजियो में कैसा? डिप्लोंटिक। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रायोफाइटा है ना, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में कैसा होगा? डिप्लोंटिक। कैसा? डिप्लोंटिक। इसका मतलब क्या है कि जो मेन प्लांट बॉडी होगा वो कैसा होगा? गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट। अभी बोल दिया डिप्लोइड। क्या जब बोल ही दिया कि डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, तो जो इसका मेन प्लांट बॉडी होगा वो तो वही होगा ना जो डिप्लोइड होगा। और दुनिया में ऐसा कोई भी गैमेटोफाइट नहीं जो डिप्लोइड होता हो, सारे के सारे गैमेटोफाइट कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। याद रख लेना ये बात। क्या बोला मैंने? कि दुनिया में जितने भी गैमिट हैं, कितने? दुनिया में जितने भी गैमिट वाले गैमेटोफाइट हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। और किसी भी हैप्लोइड के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्या बोला मैंने? किसी भी हैप्लोइड के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट मोसेस के पास जो होता है प्रोटोनेमा। कौन? प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा कैसा होता है? हैप्लोइड, और उसके पास होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। याद करो, प्रोटोनेमा से निकला था एक बर्ड, और बर्ड क्या डेवलप किया था? एक नया लीफ, जिसको हमने क्या बोला था? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। याद आ रहा है कुछ? धुंधला धुंधला, 10 साल पहले पढ़ाया था। हाँ, अबे हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है, जब पहले वाला चीज़ याद रहेगा ना तो बाद वाला चीज अच्छे से समझ में आएगा। ठीक बात। तो क्या क्या बोलेंगे यहां पे? मेन प्लांट बॉडी कैसा? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? दो ही ऑप्शन है, बार बार बोलते रहो, जो सही होगा मास्टर लिख ही देगा। क्या होता है मेन प्लांट बॉडी? स्पोरोफाइट। अबे स्पोरोफाइट, तुम लाइफ साइकिल फिर पढ़ाने का मेरा फायदा क्या हुआ? जब मैंने पढ़ा दिया तुम्हें कि डिप्लोंटिक, जैसे मैं डिप्लोंटिक बोलूंगा तुम्हें क्या समझना है कि डिप्लोइड वाला जो स्टेट
डिप्लोइड वाला जो स्टेज है वो क्या होगा, डोमिनेंट। और डिप्लोइड वाला स्टेज कौन होता है, स्पोरोफाइट। कैसा होता है ये, 2N, कैसा होगा, 2N होता है, ठीक बात। अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसा होता है, हेटरोस्पोरस होता है। कैसा होता है, हेटरोस्पोरस होता है। हेटरोस्पोरस का मतलब बताओ, फिर से कॉपी में झांका झांकी। हाँ, हेटरोस्पोरस का मतलब, हेटरोस्पोरस का मतलब बताओ। बोला था कि जब जब एक ही पे मेल भी बने और फीमेल भी बने तो कैसे थे, मोनोसियस और होमोस्पोरस, सेम साइज, अलग अलग साइज, फीमेल बड़ी, फीमेल मोटी नहीं होता है, इसका मतलब मोटी नहीं, फीमेल बड़ी, फीमेल बड़ी और मेल छोटा, और अलग अलग पे बने, उसको हम क्या बोलते हैं, डायोसियस और क्या, हेटरोस्पोरस। याद करो ट्रेडोफाइटा को हमने क्या किया था, स्पोर के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया था, होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या बोला था कि एक साइज के क्या होंगे, स्पोर होंगे और कहाँ बनाएंगे, मेल और फीमेल दोनों बनाएगा, इसलिए उसको हमने क्या बोल दिया था, होमोस्पोरस और मोनोसियस। लेकिन हेटरोस्पोरस को क्या बोला कि अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, कौन, स्पोर, और अलग अलग गैमिट बनाते हैं, मेल वाला मेल गैमिट और फीमेल वाला फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट बड़ी, मेल गैमिट छोटा, इसीलिए उसको हमने क्या बोला था, हेटरोस्पोरस, और क्या बोला था, डायोसियस, क्या, डायोसियस। तो ये कैसा होता है, हेटरोस्पोरस, कैसा, हेटरोस्पोरस। और जिसको मैंने हेटरोस्पोरस बोल दिया उसको डायोसियस भी बोल सकता हूँ, क्या, जिसको मैंने हेटरोस्पोरस बोला उसको मैं डायोसियस भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं सकता, पिछला लेक्चर देखो, पल्टू देखो लिखवाया कहीं, डायोसियस मोनोसियस, तुम लोग खुद का बेइज्जती भी कराओगे और मेरा भी कराओगे, डायोसियस। देखो वैसे तो सारे जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, डायोसियस, लेकिन देखो, रुक जाओ, हाँ क्या हो गया, वैसे तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, डायोसियस, लेकिन एक बात देख रहे हो, अभी तक जितना भी प्लांट काम किंगडम प्लांट में जितनी भी चीज़ें पड़े किसी में एक्सेप्शन ज़्यादा नहीं आया था। यहाँ पर देखो, रूट में भी एक्सेप्शन आ गया, स्टेम में भी एक्सेप्शन आ गया था, लीफ में भी एक्सेप्शन आ गया था, ऐसे ही आ रहा है एक और एक्सेप्शन जिसका नाम है पाइनस। कौन, पाइनस। वैसे तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, डायोसियस, लेकिन पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस, बट पाइनस कैसा होता है, मोनोसियस, कैसा, मोनोसियस। छाप लो, छापो जल्दी, तभी एक पूरा पेज चाहिए, इधर मेल बनाएंगे, इधर फीमेल बनाएंगे, तब बारात निकालेंगे। देखो हो सकता है कि 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक क्या हो, छुट्टी हो सकता है, पुलिस वाले बहुत मार मार रहे हैं, ठीक है, बहुत ही खतरनाक वाले मार मार रहे हैं पुलिस वाले, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि मास्टर पीट पीट के हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। तो इससे अच्छा है कि अगर 7 से 11 तक बंद रहेगा तो बंद रखेंगे और ऑनलाइन यूट्यूब पर क्या करेंगे, यूट्यूब पर हर 4 दिन है ना, 4 दिन में रोज़ 2-2 लेक्चर डाल के 8 लेक्चर में 2-3 चैप्टर हो जाएगा, सुबह डाल देंगे कोई और चैप्टर का, शाम को कोई और चैप्टर का, क्या लाइव, या फिर लाइव चला देंगे। हाँ डाउट पूछ सकते हो लाइव में, किस में, शो ऑफ वाले काम नहीं होता यहाँ पे, जूम वूम कुछ नहीं होता, यूट्यूब। हाँ हो गया हो गया हो गया, चलो चलो गैमिट बनाना है, जब गैमिट बनाना है, बारात भी निकालना, जल्दी जल्दी हो गया, छाप लिए, चलो अब गैमिट बनाते हैं, और तुम लोग बोलोगे मैं बस लिखूंगा, तुम लोग बोलोगे और बस मैं लिखूंगा। मैं इधर लिख रहा हूं मेल प्लांट, क्या लिख रहा हूं, मेल प्लांट, और इधर लिख रहा हूं महिला प्लांट, फीमेल प्लांट,
ठीक बात, अब तुम्हें बताना है मेल मेल के पास क्या होगा। ध्यान रखना है, प्लांट की बातें चल रही हैं। मेल के पास क्या होगा, मेल के पास क्या होगा, मेल गैमिट। मेल गैमिट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, ट्रिडोफाइटा। रुक जाओ, ट्रिडोफाइटा में क्या था, स्पोरोफिल। क्या था, स्पोरोफिल। जब एक बड़ा बन रहा था तो क्या बोले थे उसको, माइक्रो, और बड़ी वाली को क्या बोले थे, मैक्रो। छोटा वाला क्यों बोला, क्योंकि वो मेल था। बड़ी वाली क्यों बोला, क्योंकि वो फीमेल थी। यहाँ पर भी एक ऐसा है, हेटरोस्पोरस, मतलब कोई तो छोटा और कोई तो बड़ा। तो जो मेल होता है वो छोटा, फीमेल बड़ी। तो मेल को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। लिखेगा कोई नहीं, माइक्रो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। और उसके पास क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल। क्या, मेगो नहीं, मेक्रो नहीं, मेगा स्पोरोफिल। क्या, मेगा स्पोरोफिल। ठीक बात, माइक्रो मेक्रो होता है, लीफ के साइज को दिखाते हैं कि छोटा होगा तो माइक्रो, बड़ा होगा तो मेक्रो। यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि फीमेल प्लांट क्या बनाने जा रही है, गैमीट बनाने जा रही है। क्या, गैमीट बनाने जा रही है। तो फीमेल, मेल प्लांट के पास क्या होता है, माइक्रो स्पोरोफिल। अच्छा, स्पोरोफिल क्या होता है, क्या होता है, बोला था ऐसा 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 प्लांट बना के, ऐसा ऐसा किया था, कॉम्पैक्ट ग्रुप स्ट्रॉबिलस। ऐसा ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले दिन मैंने क्लियर कट पढ़ा दिया है। एक लीफ को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। हाँ, आज किस तरह से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया है मैं ही जानता हूँ। अब इस माइक्रो स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होता है, माइक्रो स्पोरेंजिया। बोला था ना वहां पर भी कि लाओ लाओ तोड़ के एक स्पोरोफिल को लाओ और देखते हैं उसके अंदर क्या है। फिर लीफ बनाया था मैंने, गोल 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 गोल, क्या बनाया था उसमें, माइक्रो स्पोरेंजिया। वैसे ही यहां पर इसके ऊपर क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। अब इस मेगा माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रो स्पोर मदर सेल। क्या, माइक्रो स्पोर मम्मी सेल है ये, और मम्मी सेल क्या करेगी, बच्चे पैदा करेगी। ठीक, और इसके अंदर भी क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। कौन, मेगा स्पोर। देखो जो मेल है वो बहुत सिंपल रहेगा, आगे जाके फीमेल बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एम एम सी। क्या, एम एम सी। और इसको भी क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एम एम सी। लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो स्पोर मदर सेल, और वहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल। क्यों, क्योंकि फीमेल बड़ी, फीमेल बड़ी और मेल छोटा। ठीक बात, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। जैसे मैंने मियोसिस बोला, तुम्हें समझ जाना है क्या कि इसका डिप्लोइडी कैसा होगा, एन होगा। कैसा होगा, बस कह दिया, बस कह दिया। जब टू एन होगा तभी क्या होगा, मियो। अबे एन हैप्लोइड ही है, उसमें क्या मियोसिस। हैप्लोइड से हैप्लोइड बना सकते हो, हैप्लोइड से डिप्लोइड। हाँ, तो हैप्लोइड से डिप्लोइड बन सकता है, पॉलीप्लोइडी बोलते हैं उसको। कॉल्चिसिन का नाम सुना है, कॉल्चिसिन। इसी दुनिया के हो, इसी दुनिया के नहीं हो। कॉल्चिसिन एक होता है जो क्या करता है, प्लॉइडिक लेवल बढ़ाता है, वो आएगा बाद में। अभी क्या याद रखो कि 2n से n बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या होता है बच्चों, 2n। कैसा, 2n होता है, कैसा, 2n। इससे हमें क्या बनाना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी, स्पोर बनाएगी। तो ये क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। क्या बनाएगी, देख लो, यहां पर मैं स्पोर्ट्स वर्ड ना यूज करके बार बार माइक्रो माइक्रो यूज कर रहा हूं। क्या, माइक्रो माइक्रो। बहुत प्यास लग रहा है तुमको, देख रहे हैं आज। ये क्या है, एन होगा। क्या होगा, एन। यहां पर मेगा स्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, चार मेगा स्पोर बनाएगा। कितना, चार। यहाँ पर क्या बनेगा, चार मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा, मेगा स्पोर। देख लो,
वहां बस माइक्रो लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं मेगा। ये जो 4 मेगास्पोर बनता है इसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3 डिजनरेट हो जाते हैं। बचता है कितना? एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। कितना फंक्शनल? एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा है क्या? अच्छी अच्छी बातें बोला करो, 40 मिनट का मेहनत बेकार हो जाएगा फिर। हो रहा है हाँ, 4 मेगास्पोर बना जिसमें से क्या हो गया, 3 क्या हो जाता है डीजनरेट। 4 में से कितने डीजनरेट? 3। 3 मर गए, मर जाएंगे, 3 डीजनरेट। यहाँ पर भी 4 बनते लेकिन कोई मरता नहीं है। बोला ना फीमेल बहुत कॉम्प्लेक्स थी, 3 को मार दिया गया है बेचारा सीधा सीधा मेल। चारों के चारों क्या है? जिंदा है। इसको और क्या बोलते हैं हम? मेल गैमिटोफाइट। क्या बोलते हैं? मेल गैमिटोफाइट। तो इससे क्या होगा? मेल गैमिटोफाइट। क्या? मेल गैमिटोफाइट। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, जिम्नोस्पर्म में मेल को क्या बोलते हैं और फीमेल को क्या बोलते हैं? जिम्नो याद करो, बोला था मेल एक बार बदला था और फीमेल 2 बार बदल गई थी। हाँ, तुमको भी कुछ बोलना है? हाँ गुड। फीमेल को हटे मुँह। हाँ आर्किगोनिया। क्या? आर्किगोनिया। मेल को क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। और फीमेल को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। जाके फीमेल भी बदल गई थी कब? एंजियोस्पर्म में। कब? एंजियोस्पर्म में। वहां पे क्या बोला था हमने? एम्ब्रियो सेक। अच्छा देख के मेरे को लगा गुड मैंने बोल दिया कि खुद से बोला होगा, चीटर। ठीक है, तो ये जो मेल गैमिटोफाइट होता है इसको और हम क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन। इसको और हम क्या बोल देते हैं? पोलेन। आ रहा है समझ में पोलेन ग्रेन क्यों बोल रहे हैं? देखो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है क्या कि जो मेल गैमिटोफाइट बनता है वो रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है? रिड्यूस्ड। ये कैसी बात कर रहे हो सर? आपने तो बोला है कि जो बाद में लिखा है वो ज़्यादा डेवलप्ड, फिर रिड्यूस्ड वर्ड क्यों? रिड्यूस्ड वर्ड क्यों? देखो सेल जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या मानते हैं? प्रिमिटिव। क्या? जिसमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं उसको हम क्या मानते हैं? प्रिमिटिव। और फिर जिसमें नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं उनको हम क्या मानते हैं? एडवांस। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले जो था एंथ्रीडिया, रुक जाओ मास्टर को पूरा बोलने दो, पहले जो एंथ्रीडिया था उसमें क्या थे? बहुत सारे सेल्स थे। क्या थे? बहुत सारे सेल्स थे। लेकिन उस एंथ्रीडिया के जगह पर अब जिम्नोस्पर्म में क्या आ गया है? पोलेन ग्रेन। क्या आ गया है? पोलेन ग्रेन। और पोलेन ग्रेन में क्या होता है? नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी निकाल लिए? हाँ, जिम्नोस्पर्म जहाँ दिया नीचे से 4 या 5 लाइन, ऊपर से 4 या 5 लाइन, 1 2 3 4 5, ये रहा लिखा हुआ है। मेल गैमिटोफाइट जनरेट विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। क्या है उस लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का मतलब? 5 से 6 सेल। कितना? 5 से 6 सेल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाईली रिड्यूस्ड होता है। कैसा होता है? हाईली रिड्यूस्ड। और लिख दिया एनसीईआरटी ने लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स कितने? 5 से 6। कितने? 5 to 6 सेल्स। ठीक बात। और फिर ये पोलन ग्रेन क्या बनाएगा? मेल गैमिट। क्या बनाएगा? मेल गैमिट। मेल गैमिट बनाएगा। याद रखना मैंने वहां भी बोल रखा था मेल और फीमेल को क्या बोलते हैं, गैमिट को क्या बोलते हैं मैंने नहीं लिखवाया था क्या? मेल को क्या बोलते हैं? देखो दिमाग में क्या चलता है ना हमारे कि पोलन ग्रेन को ही मेल गैमिट बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? मेल गैमिट। पोलन ग्रेन मेल गैमिट नहीं है। मेल को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। और मेल गैमिट क्या है? अलग चीज़ है। वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, 3 डिजनरेट हो गए थे तो कितना बचेगा? एक फंक्शनल बचेगा। एक फंक्शनल बचता है और इसी एक फंक्शनल को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट या फिर आर्किगोनिया। क्या? फीमेल गैमिटोफाइट या फिर आर्किगोनिया। ये क्या होता है? एक फीमेल गैमिटोफाइट। गलती से भी यहाँ पर एम्ब्रियो से एक नहीं बोलना है। एम्ब्रियो से कहाँ बनता है? एनजियो स्पर्म्स में। फीमेल गैमिटो, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो?
एमरियो से एक। हाँ क्या? आर्किगोनिया है, डिफरेंस समझ आ रहा है, इसीलिए पढ़ाया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि ये सब समझ में आए। क्या वो अलग था? छापो 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 जल्दी। इसके नीचे एक और लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है, रुको जगह बनाता हूँ। आई डोंट केयर, यहाँ पर लिख लेना कि फीमेल गेमिटोफाइट बियर, बियर वो वाला बियर नहीं है, बियर मोर देन टू आर्किगोनिया। इस पे कितने आर्किगोनिया होते हैं? दो या दो से ज़्यादा। बियर वो बियर, बी ए आर वो बियर। अब चलो मेल और फीमेल को बना लिया गया है, अब बात आएगी किसकी? फर्टिलाइजेशन की। अच्छा तब से रिकॉर्ड हो रहा है, और ऐसा हो जाए कि साउंड ही रिकॉर्ड ना हुआ हो। टेंशन नहीं लो, बंद होगा होगा, तुम लोगों को हर कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, कंटेंट मतलब जो हम पढ़ाएंगे वो तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले बोल रहे जहां एबसेंट किए तुम लोग, ये सोच के कि यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, मास्टर नहीं पढ़ाएगा। मास्टर भी एबसेंट, बच्चे भी एबसेंट। एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया, न्यूसेलस। क्या न्यूसेलस? क्या होता है न्यूसेलस जानते हो? न्यूसेलस अब जाके पढ़ना है एनसीईआरटी जिम्नोस्पर्म, धड़ाधड़ समझ में आएगा। ये ऐसे लिखवा दिया ना पूरा समझ आएगा, वरना ऐसे लिखा हुआ है ना ऊं करके समझ नहीं आता। चार घंटे में एनिमल किंगडम कंप्लीट कर दूंगा मैं, 4 घंटे मतलब 3 दिन, 4 घंटे मतलब 3 दिन, 3 क्लास 2 दिन में करा दूं। थोड़ा सा लेट होता, तुम ही सबसे पहले रोते हो। हूँ सर, नहीं सर और पढ़ाइएगा। हाँ अच्छा कल नहीं बोला था, पढ़ो फिर, आज तो एंजियोस्पर्म करके ही जाओ फिर। हाँ छोटू सर, छोटू इतू सर, क्यों नहीं करना है? कौन बोल दिया तो नहीं करना है? मैम तुम्हारी मैम की ऐसी की तैसी, कैसे नहीं करना है भैया? अबे एंजियोस्पर्म इसमें लास्ट में दिया है। देखो डिटेल पढ़ना होता है क्लास 12th में, जिसका नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ दिया है एनसीईआरटी, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना हमें, थोड़ा बहुत दिया तो पढ़ेंगे ही। अच्छा ओबीएस में वीडियो को पॉज कर सकते हैं? पॉज कर सकते हैं वीडियो को? भाई तुम लोग इतना देर लिखते हो फिर वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, फालतू का इतना लंबा वीडियो बन जाता है। जब लिखना चालू करोगे पॉज कर दूंगा, उतना टाइम किसके पास है एडिटिंग करने का? आज ही डाल देना वीडियो, ठीक है? आज ही वीडियो डाल देना यूट्यूब पे। हो गया डन, ये जरूर लिखना, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। अभी समझाएंगे क्या मतलब इसका। ये तो अभी हमने मेल और फीमेल गैमेट बस बनाया है, अब समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। ओव्यूल, ओव्यूल इसको ओव्यूल भी बोलते हैं। किसको? मेगा स्पोरेंजिया को क्या बोलते हैं?
ओव्यूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी समझाऊंगा। ब्रैकेट में क्या लिख लेना, ओव्यूल। नाम सुना है कभी ओव्यूल का क्या होता है? सुना था सर, मैं क्यों बताऊंगा आपको, हाँ बताऊं। तो ओवरी क्या डांस करने के लिए है? जब एक बनाएगा तो जल्दी 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 सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अभी। भैया 32,000 का माइक है ये, 32,000 का माइक है ये, जाके सर्च कर लेना। क्लियर आवाज़ जो बाहर जितनी भी आवाज़ हो रही है ना, एक भी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी, इस फैन का भी आवाज़ नहीं। हो गया, चलो अब देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या डाउट है तुम्हारे रह गए होंगे। तुम लोग के मन में जो डाउट नहीं आता मुझे डाउट बताना पड़ता है। ओव्यूल क्या होता है और क्या ये क्या मतलब है सर, दो से ज़्यादा आर की गोनिया का मतलब क्या है, फिर ये डिजनरेट क्या हो रहा है, फिर NCERT में एक वर्ड लिखा है न्यूसेलस, क्या लिखा है न्यूसेलस। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होता है? मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। ध्यान रहे यहाँ पर भी, फीमेल कहीं नहीं जाएगी, फीमेल कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फीमेल बड़ी है और भारी, नहीं चल सकती, मतलब नन मोटाइल है। मेल को आना पड़ेगा, मेल को आना पड़ेगा। और क्या सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पानी वानी कुछ नहीं चाहिए मेल को आने के लिए। क्यों? इवोल्यूशन हो चुका है, इवोल्यूशन हो चुका है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, कौन चाहिए? हवा से भी हो सकता है, किसे? हवा से हनी भी आ जाए, करा दे, हाउस फ्लाई करा दे। मतलब यहाँ पर पानी रहे ना रहे कोई मैटर नहीं पड़ता, बारात तो निकलेगी। ठीक बात। चलो देखो मैंने क्या बोला, जैसे मान लो ये क्या है, ये है हमारा मेगा स्पोरोफिल। क्या है? मान लेते हैं ये क्या है, मेगा स्पोरोफिल। हमने क्या बोला कि मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होता है? मेगा स्पोरेंजिया। चलो चलो ये रहा हमारा कौन, मेगा स्पोरेंजिया। ये था मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। ठीक बात। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आता है इंटेगुमेंट। क्या आता है? इंटेगुमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवर। क्या बोलते हैं? कवर। इसके ऊपर क्या आ रहा है? इंटेगुमेंट। ध्यान से समझना, इसके ऊपर क्या आ रहा है? इंटेगुमेंट। क्या आ रहा है बच्चों? इंटेगुमेंट। ऐसे क्या है? कवर है, जो दोनों तरफ से इसको क्या कर रहा है, कवर करके रखा हुआ है। ये ग्रीन वाला क्या है? इंटेगुमेंट। क्या है अंदर वाली? वाइट वाली कौन है? मेगा स्पोरेंजिया। कौन है? मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया प्लस इंटेगुमेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इसका मतलब, ओव्यूल का मतलब क्या हुआ, मेगा स्पोरेंजिया जब इंटेगुमेंट से कवर हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटेगुमेंट है। मतलब कि जैसे ये इसके ऊपर मैं कवर लगा दूं तो इसके लिए वो क्या है, कवर है। और कवर को हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? नहीं, ये सारी बातें क्यों चल रही हैं, क्योंकि आने वाला है कौन, सीड। किसको बनाना है? सीड को। सीड के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, सीड कोट होता है ना, हार्ड कवरिंग, उसके बनने की शुरुआत हो रही है। रुकते जाओ, आएगा, सब आएगा। हाँ, वो इसके अंदर आएगा, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया में क्या बनेगा? बनेगा वो स्पोर। फीमेल के अंदर क्या बनेगा, एग। आ रहा है, रुक जाओ। ये इसको अभी यहाँ पे क्या तुमको बोलना है, इसको क्या बोलोगे, ओव्यूल। क्या बोलोगे? ओव्यूल। और ओव्यूल को क्या मैं बोल सकता हूँ, इंटेगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजिया। इंटेगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजिया बोल सकता हूँ। क्या देखो, ये जो व्हाइट वाला बनाया ना, ये क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। और मेगा स्पोरेंजिया के तरफ क्या आ गया है, कवर आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। तो जब मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर कवर आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक बात। क्या दोनों एक ही हुआ, इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट इधर से भी कवर किया, उधर से भी कवर किया, बात एक ही है। इसको भी इंटेगुमेंट बोलते हैं, उसको भी इंटेगुमेंट बोलते हैं, इन पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, ओव्यूल। इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, बाद में ये ना समझ लेना
कि ऊपर वाले को इंटेगुमेंट बोलते हैं, हाँ नीचे वाले को ओव्यूल बोलते हैं, इसलिए मैंने मैथ की भाषा में लिख दिया है ओव्यूल बराबर 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 ओव्यूल बराबर इंटेगुमेंट प्लस मेगा स्पोरेंजिया, इंटेगुमेंट बराबर मेगा स्पोरेंजिया माइनस ओव्यूल, जो जो करते रहना कर लेना, वैसा कुछ नहीं होता, बायो है, ठीक है। चलो इस ओव्यूल को तोड़ के लाओ और देखते हैं आखिर इसमें है क्या, इसमें आखिर है क्या। चलो तोड़ के लाते हैं, हाँ ओव्यूल को तोड़ के लाना है, मतलब इंटेगुमेंट के साथ में तोड़ के लाएंगे हम। चलो चलो तोड़ो तोड़ो तोड़ के लाओ, ये लो मैंने तोड़ के ला दिया यहाँ पर और इसको बना दिया कुछ ऐसे। ये क्या है माइक्रो स्पोरेंजिया, क्या है ये वाला माइक्रो स्पोरेंजिया, हाँ ये वाइट वाला क्या है माइक्रो स्पोरेंजिया वाइट, रुक जा, मास्टर ने एक वर्ड गलत नहीं बोला है, मास्टर पूछ रहा है वाइट वाला कौन सा है, मेगा स्पोरेंजिया, हाँ वाइट वाला क्या है मेगा स्पोरेंजिया और बाहर वाला क्या है इंटेगुमेंट, और ये पूरा मिला है क्या कहलाता है एक ओव्यूल। अब आया समझ में, मैंने क्या किया वहाँ से ओव्यूल को तोड़ के लाया है। क्या देखते हैं कि ये जो माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर कुछ क्या होते हैं टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यू सेलस, क्या बोलते हैं न्यू सेलस। चलो चलो बनाओ टिश्यू को, इसके अंदर क्या होते हैं कुछ टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं अबे कहाँ से ग्रीन आ जा रहा है ये, क्या होते हैं कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ टिश्यू होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं न्यूसेलस, क्या बोलते हैं न्यूसेलस, एनसीईआरटी में वर्ड यूज किया था न्यूसेलस, दिमाग हिल जाता है कहाँ कहाँ से आ गया। अब आ रहा समझ में कि पहले क्या था मेगा स्पोर माइक मेगा स्पोरोफिल, ये क्या है ये भी लिख दो, भरोसा नहीं तुम लोगों पे, कोई भरोसा नहीं, क्या बोला मेगा स्पोरोफिल, क्या क्या होगा मेगा स्पोरेंजिया जिसके ऊपर रहता है ना उसी को क्या बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। जैसे मान लो ये रहा मेगा स्पोरोफिल, कौन मेगा स्पोरोफिल, ठीक इसके ऊपर क्या है ये गोल गोल मेगा स्पोरेंजिया, क्या है मेगा स्पोरेंजिया, फिर इसके ऊपर जब कवर आ गया ऐसे, जब इसके ऊपर लीप से ही स्टार्ट हो रही हर काम, लीप से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है सीड बनेगा, पहली बार सीड बनाने जा रहे हैं हम, पहली बार सीड बनाने जा रहे हैं, अभी तक सीड ट्रेडोफाइटा तक सीड नहीं, पहला सीड कहाँ पे जिम्नो में, वो भी कैसा नंगा नेकेड, ठीक बात। चलो मैंने क्या बोला अभी तक मेगा स्पोरोफिल के ऊपर क्या है मेगा स्पोरेंजिया, उसके ऊपर क्या आ गया कवर, उसको हमने क्या बोल दिया ओव्यूल, क्या बोल दिया ओव्यूल। हमने एक ओव्यूल को तोड़ के देखा तो क्या मिला हमें कि उसके जो मेगा स्पोरेंजिया है उसके अंदर में क्या है न्यूसेलस, क्या है न्यूसेलस, ये क्या है वाइट वाला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ लिख दिया है अलग अलग पेन है ना कलर का, थोड़ा सा लड़की बनना पड़ेगा अलग अलग कलर लाना पड़ेगा, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक बात। अब देखो क्या होता है कि इस न्यूसेलस का, इस न्यूसेलस का कोई एक टिश्यू डेवलप होकर क्या बनाता है एम एम सी, क्या एम एम सी फुल फॉर्म मदर मेगा स्पोर मदर सेल, तो क्या होगा रुको छोटा करेंगे एक बार बना लेना, क्या होगा यहां से देखो कि ये डेवलप करेगा कौन, यहां से एक कोई सेल किसका डेवलप करेगा न्यूसेलस का, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस डेवलप, और ये डेवलप करके क्या बनाएगा डेवलप करके बना देगा एक एम एम सी, क्या बना देगा एम सी, ये बाहर में क्या बना रहा हूं इंटेगुमेंट, तो इसमें अंदर में क्या बन गया एक, अंदर में बन गया एक एम एम सी, ये क्या है माइक्रो स्पोर मदर सेल, क्या एम एम सी, कैसा होगा हैप्लोइड की डिप्लोइड, डिप्लोइड
तुक्का मारे थे या दिमाग से बोले थे? कैसा है? डिप्लोइड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा? अपने आप को बार बार डिवाइड करेगा। क्या करेगा? बार बार डिवाइड करेगा। और जब न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करे उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। चलो डिवीजन कराओ न्यूक्लियस का, मेरी बातों का बुरा ना माने। अगर मेरी बातों का बुरा मानने लगोगे तो अगले दिन कोचिंग छोड़ के जाना पड़ेगा। देखो यहां से क्या होगा, अब इसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन। चलो कराओ, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं बार बार फोटो क्यों बना रहा हूं? क्या कराना है अब हमें? न्यूक्लियस का डिवीजन कराना है। देखो क्या होगा कि अब ये न्यूक्लियस क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिवाइड। ये क्या हो गया, यहाँ पर बहुत सारे क्या हो गए? न्यूक्लियस हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक बात। बहुत सारे न्यूक्लियस क्या कर गए? डिवाइड कर गए। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएंगे तो क्या होगा कि इनके अब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म डिवाइड करेंगे। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? याद करो बच्चों, 10 साल पहले की बात है, जब मैं तुम लोगों को पढ़ाया था फंजाई, तो वहां पर कुछ बनाया था मैंने। तुम लोग ऐसे देखते हो ना मुझे, जैसे लगता है कि मैं क्या कुछ अरबिक और उर्दू का कंबाइन करके कोई नया लैंग्वेज बोल रहा हूँ, कि कुछ क्या अजूबा बोल रहे हो सर। क्या याद आ रहा है? ओह गॉड, फिर से बताना पड़ेगा तुम लोगों को पूरा। मास्टर मर जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे देखो, बता क्या रखा है तुम्हें कि प्लाज्मोविनी बोलते हैं जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करते हैं, जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर डिवीजन। और लंबा कर ही देते हैं। अब एक बात बताओ, अब अगर नहीं आया ना मार देंगे। एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस होगा। तो इससे कितने फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे? कितने? जल्दी जल्दी कितने बनेंगे? मास्टर तुम बनाओ, हम पैसे देते हैं तुम्हें। मैं लिखवाया था 4 बनेगा, जिसमें 3 डिजनरेट हो जाएगा, तो कितने बनेंगे? 4। ये क्या बना है तुम्हारा? 4 मेगा स्पोर। कितने इस पर? 4 मेगा स्पोर। और इसमें से बचता कितना है? 1। कितना बचेगा? 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट। आएगा ना एग्जाम में क्वेश्चन, यही फोटो बनाना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्या हम ऐसे ही दिखावा करने के लिए बना रहे हैं बार बार? रोना नहीं है खुद। कितना बचता है? 1 बचता है। कितना? 1 बचता है। 1 बच जाता है क्या? मेगा स्पोर, ठीक। अब इसमें क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। जब न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसके अंदर, तो इससे क्या बनता है? देखो किसी भी चीज में, अमीबा का नाम सुना? अमीबा का नाम, अमीबा भी जब डिवाइड करता है तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, फिर अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करता है। क्यों? कि वैसा सेली किस काम का, इसके पास दिमाग ही ना हो। वैसा इंसानी किस काम का, इसके पास दिमाग ही ना हो। वैसा इंसानी किस काम का, इसके पास दिमाग ना हो। तो वैसा सेली किस काम का, इसके पास दिमाग ना हो। तो सेल का दिमाग कौन? न्यूक्लियस। तो पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है तो क्या बनाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस बनाने के बाद क्या डिवाइड करता है? अपने साइटोप्लाज्म को। जैसे अमीबा क्या करता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करके सेल के दोनों तरफ भेज देता है, तुम एक तरफ जाओ, तुम एक तरफ जाओ, फिर बीच में ऐसे कोनिकली स्ट्रक्चर बना के दोनों अलग अलग।
तो यहाँ भी क्या होगा, जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो गया तो इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। किसका? साइटोप्लाज्म का। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा तब क्या होगा, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और जैसे ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा बन जाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म। और जब एंडोस्पर्म बन जाता है तो उससे डेवलप होगा क्या, एक नया स्ट्रक्चर। क्या नया स्ट्रक्चर, देखो कैसे, ओव्यूल बनाओ फिर से। देखो अब न्यूसेलस, जो न्यूसेलस था ना पहले, वो कहाँ बचा रहता है, बस इसके एकदम इसके ऐसे पास में बचा रहता है, देख रहे हो, और इसे इतना दूर भी नहीं, एकदम पास पास एकदम इससे क्या होता है, चिपका हुआ होता है, किससे, मेगा स्पोरेंजिया के वॉल से। पहले न्यूसेलस कहाँ था, पूरा अंदर अंदर, अब कहाँ है, बस ऊपर ऊपर, ठीक। तो ये क्या क्या है, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, इंटेगुमेंट। क्या है, ये रेड वाला क्या है, रेड वाला न्यूसेलस। क्या है, न्यूसेलस, ठीक। व्हाइट वाला क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। क्या है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक। इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं, कौन सा नाम देता है ये मालूम चलेगा तुम्हें। यहाँ पर ऐसे एक चेंबर होता है, क्या होता है, चेंबर, जिससे ये दो ऐसे लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दोनों लटके हुए हैं, आर्किगोनिया। क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। रुक जाओ, चश्मा आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्किगोनिया। और ये जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, एग। क्या, एग। याद करो टेबल जब मैंने लिखवाया तुम्हें कि फीमेल गेमिटोफाइट बियर मोर देन टू आर्किगोनिया। क्या लिखवाया है, फीमेल गेमिटोफाइट बियर मोर देन टू आर्किगोनिया। देखो देखो देखो, कॉपी कॉपी कॉपी। जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी। इसमें क्या होते हैं सेल्स, इसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। और इसको हम बोलते हैं पोलन चेंबर। क्या बोलते हैं, पोलन चेंबर। मैंने कल ही बोल दिया था जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करने के लिए मेरे को कम से कम कितना चाहिए, 1.5 घंटा बोला था ना, इसलिए कल स्टार्ट। अब हो गया, बस अब हम एंड पे आ गए। क्या हो गया, यहाँ पर एक फाइनल स्ट्रक्चर बना। क्या बना, फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है ये, ओव्यूल का। किसका, ओव्यूल का। बाद में ओव्यूल देखो ऐसे जाके डेवलप हो गया। अब क्या करना हमें, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पर कौन है, फीमेल, कौन है, फीमेल आर्किगोनिया, कहीं नहीं जाएगी, क्यों, भारी है, बड़ी है। अब कौन आएगा, मेल, कौन आएगा, मेल आ रहा है उड़ उड़ के। बारात कहाँ से आएगी, हवा के द्वारा, एयर में आ रही है, कौन, बारात, हाँ आ रहा है, आ रहा है, ठीक। पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन यहाँ पे, पोलन ग्रेन यहाँ पे आया। तो क्या होता है, यहाँ पे आएगा जब, तो न्यूसेलस और इंटेगुमेंट क्या करते हैं कि कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, क्या, कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर माहौल चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है, कैसा, स्टिकी स्टिकी माहौल हो जाता है, ठीक। तो ये इंटेगुमेंट और न्यूसेलस क्या हो गए, घर के बुजुर्ग, सबसे पुराने सेल्स, याद रखना है, क्या, सबसे पुराने सेल्स। बारात जब आती है तो सबसे पहले घर के बुजुर्ग जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बारात को रिसीव करने के लिए सिक्रीट किया गया, क्या, केमिकल्स। कौन सा केमिकल, कौन सिक्रीट किया, न्यूसेलस। क्या, न्यूसेलस, कैसा केमिकल, जो स्टिकी इन नेचर होता है, कैसा, स्टिकी इन नेचर होता है, यहाँ पर आ गया, जैसे ही उड़ उड़ के पोलन ग्रेन आया, कैसा था ये, स्टिकी नेचर, आके यहाँ पर क्या हो गया, चिपक गया, पोलन ग्रेन आके यहाँ पर चिपक गया, कहाँ पे, पोलन चेंबर में, केमिकल था, कौन सिक्रीट किया था, न्यूसेलस। जैसे ही यहाँ पर आता है, फिर पोलन ग्रेन कहाँ पर आता है, इस चेंबर में, जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनियल चेंबर। क्या बोलते हैं, आर्किगोनियल चेंबर। पोलन कहाँ पहुँच चुका है, आर्किगोनियल चेंबर में। जैसे ही पोलन आर्किगोनियल चेंबर में पहुंचता है, ये सूखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या बोला मैंने, कि पहले कैसे थे, चिपचिपे, दूल्हा आ गया, दूल्हा जैसे ही घर के अंदर, गेट बंद, ये क्या हो जाता है, सूखना चालू।
सूख जाता है, मतलब एक बार पोलन ग्रेन अंदर आ गया तो बाहर नहीं जाएगा, एक बार पोलन ग्रेन अंदर आ गया तो बाहर नहीं जाएगा, अब आया है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। वैसे ही क्या हुआ फिर, ये यहाँ से वॉल टूटता है, क्या होता है वॉल टूटता है, वॉल टूटता है यहाँ से, ये जो वॉल है क्या होता है टूटता है, और टूट के कहाँ आते हैं पोलन ग्रेन, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है एग, हो जाता है क्या फर्टिलाइजेशन, और बनता है क्या जाइगोट, क्या बनता है जाइगोट, और फिर उससे क्या डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो, और फिर सीड, क्या सीड, और इसे करके क्या बना सीड। फिर तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कवर है इंटेगुमेंट, यहाँ पर तो कवर है ही, फिर हम इसको नेकेड सीड क्यों बोलते हैं, नेकेड सीड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ओवरी नहीं बनता, फ्रूट नहीं बनता, तो वैसे सीड जो फ्रूट से कवर नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं नेकेड सीड। यहाँ पर भी कवर कर रहा है इसको कौन, सीड कोट, ये इंटेगुमेंट बाद में क्या डेवलप कर देता है, इंटेगुमेंट बाद में डेवलप होकर क्या बनाता है सीड कोट, क्या बनाता है सीड कोट। तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर ये कोट पहना हुआ है तो फिर इसको हम नंगा क्यों बोल रहे हैं, क्यों, वैसे सीड को हम तब तक नंगा बोलेंगे जब तक वो फ्रूट से क्या ना हो कवर हो जाए, तो वैसे सीड को क्या बोलते हैं हम ट्रू फ्रूट, क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट। तो ओवरी से क्या बनता है ये ओव्यूल, बाद में पूरा डेवलप होकर क्या बनाता है सीड, क्या बनाता है सीड, याद रखना ओव्यूल से क्या बनता है सीड और ओवरी से क्या बनता है फ्रूट, समाप्त, कौन जिम्नो स्पर्म, छोटे हो जाओ। रुक जाओ थोड़ा थोड़ा लिखो, बस दिख रहा है नहीं, उम्र हो चुका है, उम्र हो चुका है, हाँ लिखो, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो को बंद कर दिया जाए।